सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 50 शेयर हैं HUL के, 2264 के बाइंग रेट है सर। मेरा शॉर्ट टर्म, हेलो, या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है सर, 3 मंथ्स का। अभी इस पे एवरेज करेगा तो चलेगा या फिर ये क्या करना है सर, आपका सजेशन चाहिए। 3 मंथ्स का व्यू है, कोई स्टॉप लॉस लगाया आपने इसमें? नहीं सर, अभी तक नहीं लगाया सर। सरवन जी, 3 महीने के नजरिए से HUL कैसा लग रहा है आपको? 2264 की खरीद है इनकी। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो क्लियर कट यहाँ पे डाउन है, और आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड डिसाइसिवली शॉर्ट टर्म डाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और ट्रेंड नीचे है। तो आई थिंक प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंगल शॉर्ट टर्म जो इन्होंने बोला है 1 से 3 महीने, यहाँ आई थिंक इनका ट्रेड सही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिटर्न बन सकते हैं, बट 3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे इनके आइडली नहीं बनेंगे। उछालों में मेरी राय है कि निकल जाए। स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए इनको? देखिए, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल रखना चाहिए, ट्रेडिंग बायस पे अगर चले हैं तो अराउंड 2-3% हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, और आज की वॉलिटिलिटी में ये भी कमी है, बट 2-3% एक मिनिमम आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अपने कॉस्ट प्राइस से आई थिंक इनको उस रेंज में, उस बैंड में, 2-3% वाले बैंड में एक स्टॉप लॉस ढूंढ के लगाना चाहिए। ओके गौरीश, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा क्योंकि आपका बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया 2-3 महीने का, तो नजरिया छोटा रखिए और राइज मिलेगा तो बेच के निकल जाइए उसमें फिलहाल के लिए। अगला सवाल है कुणाल का, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी सर, मैं बिहार मोतिहारी से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल है कि नाइका का 1000 है शेयर मेरे पास 1636 के रेट पर, और इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा सर, कैंपस का शेयर है मेरे पास 300-400 के प्राइस पर, और पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए मैं इसको ले रहा हूँ, तो क्या मैं इसको एवरेज करूँ, क्या करूँ? ओके, नाइका कितने दिन के लिए लिया आपने? नाइका सर आगे अगर पॉसिबिलिटीज में अच्छी है तो मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। जी सरवन जी, नाइका 80 के आसपास गई, 83 तक तो मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 200 क्रॉस करे तो मैं। जी सरवन जी, नाइका पहले। जी देखिए, आई थिंक पेशेंस इन्होंने रखा है तो उनको एक अच्छा बाउंस मिल गया है। 200 के बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर अब इसमें डेटा थोड़ा कम है, 2021 दिसंबर के बाद से डेटा, तो 1.5-2 साल का डेटा यहाँ पे, 2 साल का डेटा है तकरीबन। थॉट यही है कि भाई उस डेटा में मुझे लग रहा है कि 200 से लेके जो अभी नीचे में गया था 80 के आसपास, आई थिंक वही एक लार्जर रेंज है, और उस लार्जर रेंज के अपर एंड की तरफ ये बढ़ रहा है, तो मेरी राय तो रहेगी कि 200 का लालच, ये जो हम एक साइकोलॉजिकल नंबर्स बना लेते हैं ना कि 200 आएगा तो ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है। 199 में क्या खराबी है, 197-196 में भी क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है। कहीं जहां पे बाउंस मच्योर हो वहां इनको निकलना चाहिए, भले ही वो रेंज 190-180 की भी क्यों ना हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 185-190 के बीच में कहीं आता है तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके okay.